नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एयर मैनिफोल्ड के बारे में। एयर मैनिफोल्ड क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए इस तरह का एयर मैनिफोल्ड होता है, या 18 वाल्व वाला है, 9 इस साइड है, किसी में 6 होता है, मतलब तीन इधर टैपिंग होगा। और इस तरह अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब किसी में ज़्यादा टैपिंग दिया हुआ रहता है, किसी में कम दिया हुआ रहता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेन से MV, मतलब मैनिफोल्ड वाल्व लिखा हुआ है, चाहे इसको IM मतलब एयर मैनिफोल्ड भी लिखा हुआ है, AI भी लिखा हुआ रहता है, एयर मैनिफोल्ड या एयर हेडर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये मैकेनिकल वाल्व आइसोलेशन वाल्व लगा हुआ है, इसके नीचे एयर मैनिफोल्ड है, ये टैपिंग दिया हुआ है, यहाँ से ट्यूबिंग कनेक्ट हुआ है, देखिए ट्यूबिंग गया हुआ है, अदर वाल्व के लिए गया हुआ है, यहाँ से जो भी ट्यूबिंग जाता है वो वाल्व के लिए जाता है, वाल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर का ज़रूरत होता है, उसके लिए ट्यूब को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। दूसरा है कि एयर मैनिफोल्ड में एक देखिए यहाँ पे नीचे वाल्व होता है, बॉल वाल्व होता है, ये देखिए बॉल वाल्व लगा हुआ है, और उसके नीचे ये ब्लाइंड लगा के बंद करते हैं, जब भी इसको ड्रेन करना होता है तो ब्लाइंड को खोल करके और इस वाल्व को ओपन करते हैं तो ये ड्रेन हो जाता है। इस तरह एयर मैनिफोल्ड होता है। इससे ये जो भी वाल्व होता है वो सभी वाल्व एयर से ऑपरेट होता है, एयर लेने के लिए, मतलब एयर का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए मैनिफोल्ड से कनेक्ट किया जाता है, मतलब मैनिफोल्ड से ही सभी वाल्व में एयर जाता है जिससे वाल्व ऑपरेट होता है। तो इस प्रकार का एयर मैनिफोल्ड होता है या एयर हेडर होता है, इसको कई नाम से जाना जाता है, एयर हेडर भी कोई बोलता है, कोई एयर मैनिफोल्ड बोलता है, और इस तरह उसका नाम है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।